नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया अपना खुद का अंतरिक्ष यान। स्वदेशी स्पेस शटल का सफल परीक्षण कर भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल कर ली। इसरो ने श्रीहरिकोटा से देश के पहले स्वदेशी स्पेस शटल के स्केल मॉडल का परीक्षण किया, जो सफल रहा। अब भारत भी अपना स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेज सकेगा। स्वदेशी RLV यानी पुनः प्रयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में उपग्रह को प्रक्षेपित करने और फिर वापस वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रवक्ता RLV-HDHEX-1 के सुबह 7 बजे उड़ान भरने के कुछ समय बाद बताया गया कि अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह पहली बार है जब इसरो ने पंखों से युक्त किसी यान का प्रक्षेपण किया है। यह यान बंगाल की खाड़ी में तट से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर उतरा। हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग कहलाने वाले इस प्रयोग में उड़ान से लेकर वापस पानी में उतरने तक लगभग 10 मिनट तक का समय लगा। विमान जैसा दिखने वाला 6.5 मीटर लंबा यह यान एक विशेष रॉकेट बूस्टर की मदद से वायुमंडल में भेजा गया। इस यान का वजन 1.75 टन था। इसके अंतरिक्ष प्रारूप के विकास में 10 से 15 साल लग सकते हैं। किरण बेदी को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। अरविंद केजरीवाल ने बेदी को शुभकामनाएं दी। मोदी सरकार ने संपर्क सरकार द्वारा उपराज्यपाल बनाए गए वीरेंद्र कटारिया को नियुक्ति के महज 1 साल बाद ही हटा दिया था, जिसके बाद से यह पद खाली पड़ा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के अभियान की कमान संभालने वाली किरण ने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपना 100% दूंगी। मैं देश के फायदे के लिए काम करूंगी। मैं हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। मैं सरकार के फैसले के प्रति आभारी हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया तालिबान सुप्रीमो मुल्ला अख्तर मंसूर। अफगानिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर किए गए अमेरिका के एक दुर्लभ ड्रोन हमले में अफगान तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर मारा गया। पाकिस्तान ने अमेरिका पर उसके उस ड्रोन हमले की इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मंसूर तथा अन्य आतंकियों को अमेरिकी विशेष अभियान बलों द्वारा संचालित मानव रहित विमानों से उस वक्त निशाना बनाया गया जब वे दोनों अफगान सीमा के पास स्थित पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अहमदवाल शहर के पास एक सुदूर इलाके में किसी वाहन में सवार होकर जा रहे थे। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी पाकिस्तान में अपने ड्रोन हमले में अफगान तालिबान के प्रमुख मुल्ला मंसूर मारे जाने की पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता। हालांकि अफगानिस्तान की मुख्य जासूसी एजेंसी ने बताया कि मंसूर शनिवार को 3:45 के करीब पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया।